देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। एसपी ने कहा जिले में मतदान के समय गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस की रहेगी नजर, चिन्हित कर ऐसे लोगों पर की जाएगी कार्रवाई। कन्नौज जनपद में तीसरे चरण में 20 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। जिले को 16 जोन व 140 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में एक पुलिस मोबाइल टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा प्रत्येक थाना वार्ड 22 की वाड़ी रहेगी। इसके अतिरिक्त पर्याप्त रिजर्व बल को भी तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को तलाश किया जा रहा है जिन्होंने पूर्व में चुनाव के समय गड़बड़ी की है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के समय अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। कन्नौज से जिला संवाददाता शिवू सैनी की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज में जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने आपको बताया कि दिनांक 20 फरवरी को हमारे यहाँ चुनाव है। इसके लिए प्रत्येक बूथ, जो प्रत्येक पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, यानी कि चुनाव के जो केंद्र है मतदान केंद्र, उस पर पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा पूरा जनपद है उसको 16 जोन और 140 सेक्टर में बांटा है, जिसमें प्रत्येक सेक्टर में एक पुलिस मोबाइल अलग से रहेगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे थाना क्षेत्र है, प्रत्येक थाना क्षेत्र में दो QRT प्रति थानावार, यानी टोटल 18 QRT भी रहेंगी। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में रिजर्व बल भी लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति से उसको निपटा जा सके। इसके अलावा बड़े पैमाने पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने या तो पिछले दौरान कोई हिंसक कार्रवाई की है या किसी हिंसा में शामिल रहे हैं या इनसे पूर्व में किसी प्रकार का उन्होंने कोई चुनाव संबंधी कोई अपराध किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जैसा कि पिछले कुछ चुनाव में देखा गया है कि ऐसे मौके पर अवैध शराब का प्रयोग कई बार बढ़ जाता है, तो इस संबंध में भी लगातार आबकारी विभाग के साथ पुलिस की संयुक्त रूप से टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जनपद कन्नौज में पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हम ये चुनाव संपन्न कराएंगे। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।